जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। किश्तवाड़ और अनंतनाग में जारी हुआ है, मुठभेड़ में जारी है और इस वक्त बताया जा रहा है किश्तवाड़ में सेना और पुलिस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को घेरा हुआ है। अनंतनाग के कोकेर नाग में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त सेना की चल रही है। आतंकियों की गोली से एक नागरिक की मौत हो गई है, एक घायल है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में दो जवान शहीद भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी दो आतंकियों को सेना ने घेर कर रखा है। हम आपको बता दें, ऑपरेशन किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच जारी है, इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है। किश्तवाड़ में सेना और पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को घेर रखा है। अनंतनाग में कोकेर नाग में आतंकियों से ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। आतंकियों की गोली में एक नागरिक की मौत बताई जा रही है, एक घायल बताया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए। वहीं बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग के अहलान गांगर मांडू इलाके में आतंकियों के साथ पुलिस और सुरक्षा बल के साथ एनकाउंटर हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो जवान भी शहीद हो गए। वहीं आतंकियों की अंधाधुन और इधर उधर फायरिंग की करने की वजह से दो नागरिक भी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। सेना ने खुफिया जानकारी पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अनंतनाग के कोके नाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें लांस नायक प्रवीण शर्मा और हवलदार दीपक कुमार शहीद हो गए। फिलहाल कोकेर नाग में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। हालांकि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि दो आतंकियों को सेना ने घेर रखा है और ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है।